नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे नॉइज पे। क्या आपने भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर खरीद के रखा है और ये शेयर क्या यहाँ से तेजी बना सकता है, क्योंकि इसका जो है Q4 24 का रिजल्ट आया है, शेयर डाउन हो रहा है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर बहुत सारे अपडेट्स है, जैसे कि ये कंपनी जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी आ रहा है, जैसे कि अभी जीरोधा वगैरह है, अपस्टॉक्स है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि जीरोधा और अपस्टॉक्स जैसे कंपनीज को एक बिजनेस में दिक्कत हो सकता है, फिर घाटा हो सकता है, दिक्कत नहीं बोल सकते, घाटा हो सकता है अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी आई। क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का या फिर जियो का अगर आप एक चीज देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का बोल सकते हैं, कि जैसे ये कंपनी कोई भी बिजनेस में आता है तो उस बिजनेस का ये लीडर होता है। जैसे कि आपने टेलीकॉम देखा रहेगा, रिटेल इंडस्ट्रीज देखा रहेगा, तो अभी अगर ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आता है दोस्तों, तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी एक अच्छा खासा जो है आप बिजनेस कर सकता है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के Q4 24 का जो रिजल्ट है कैसा आया है, शेयर में अभी क्या हो सकता है, क्या चल रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में, ऐसे बहुत सारे डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से आपको वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, और आपको कैसा लगता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर, कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी थोड़ा नॉलेज मिले आपसे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जो कंटेंट पाने के लिए। सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का Q4 24 का जो अभी रिजल्ट आया है, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 310 करोड़ का हुआ है। जनवरी से लेके मार्च तक 310 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बोल सकते कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो है NII जो है, जो कि 280 करोड़ का हुआ है, एंड इसका जो टोटल इनकम है जो कि 418 करोड़, रेवेन्यू 418 करोड़, ये आप लगभग बोल सकते कि एक जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का Q4 24 का रिजल्ट आया है, एक नॉर्मल सा मतलब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे इसका जो नेट प्रॉफिट है 310 करोड़ के आसपास हुआ है, NII जो है 280 करोड़ हुआ है और इनकम 418 करोड़, रेवेन्यू 418 करोड़। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का Q4 24 का। अभी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कंपनी का जो प्रीवियस क्वार्टर का रिजल्ट था। अभी देखिए, कंपनी जो है यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कुछ दिन पहले मार्केट में लिस्ट होने के बाद एक ज़बरदस्त डिमांड क्रीज जो है इन्वेस्टर्स की ओर से देखने को मिला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर को लेकर। लिस्ट होने के बाद कंपनी का जो है, लिस्ट होने के बाद देख सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है जो कि 293 करोड़ का हुआ था, एंड इंटरेस्ट इनकम जो है 269 करोड़ का हुआ था, टोटल इंटरेस्ट इनकम जो कि 414 करोड़ का, और जो रेवेन्यू है 413 करोड़ का था। तो लिस्ट होने के बाद अगर देखते हैं तो एक अच्छा खासा इसने रिजल्ट पोस्ट किया था, और अभी जो इसका Q4 24 का रिजल्ट आया है, इसमें और ज़बरदस्त एक रिजल्ट यहाँ पे पोस्ट करने को देखने को मिल रहा है। शेयर का प्राइस लगभग 370 पैसे के आसपास देखने को अभी मिल रहा है। स्टॉक जो है रिकॉर्ड हाई क्लोज किया था जो कि 378.40 पैसा। अभी यहाँ पे 4.6% के आसपास शेयर का तेजी बना था। अभी देखिए, इसका जो बुलिश कैंडल स्टिक है, देख सकते हैं, मतलब जो कैंडल स्टिक है बुलिश पैटर्न बना रहा है डेली चार्ट्स में, एंड जो कि एवरेज वॉल्यूम से जो है थोड़ा सा बोल सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 21 डे का जो EMA है वो आप देख सकते हैं एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द स्टॉक सिंस 29 जनवरी इस साल का। तो अभी इस साल का 29 जनवरी से कंपनी का देखते हैं तो डेली चार्ट में भी एक अच्छा खासा मूवमेंट बनता हुआ देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 21 डे का जो EMA है वो भी स्ट्रॉन्ग फिलहाल है, एक सपोर्ट लेवल पे फिलहाल अभी शेयर चल रहा है। कंपनी का जो इन्वेस्टर्स है प्रेजेंटिंग फॉर द क्वार्टर जो यहाँ पे Q4 24 का रिजल्ट आया था, जहाँ पे टोटल लोन्स जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो कि 173 करोड़ का है कंपेयर टू 41 करोड़ इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। तो मतलब लास्ट ईयर का देखते हैं कंपनी का एक साल पहले का, जो कि इसका लोन जो था लगभग 41 करोड़ के आसपास था, वो जो है अभी बढ़ के थोड़ा 173 करोड़ के आसपास हुआ है। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि करंटली जो कंपनी ऑपरेट्स इन द वेंडर फाइनेंसिंग बिजनेस एंड हैज होम लोन्स, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स इन द पाइपलाइन। तो कंपनी का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अभी जो बिजनेस मॉडल है, अभी अगर बिजनेस मॉडल समझते हैं, जो कि ये होम लोन्स वगैरह देता है एंड जो वेंडर को जो है फाइनेंस बिजनेस में है, लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी ये सब में अभी डील कर रहा है, और इसका जो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स वगैरह है ये अभी पाइपलाइन में है। तो ओवरऑल अगर देखते हैं दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का हो सकता है आगे चल के इसका जैसे ही मतलब जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री में ये अगर बिजनेस शुरू कर दें तो उसके बाद इसका प्रॉफिट वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विस का अप्रैल 15 में जो है बताया जा रहा है कि एंटर जो है 50-50 जॉइंट वेंचर जो कि US बेस्ड एक कंपनी है ब्लैक रॉक, इसको लेकर हम लोगों ने डिटेल में वीडियो भी बनाया है, ब्लैक रॉक के साथ जो है जॉइंट वेंचर में काम करेगा 50-50 जॉइंट वेंचर में, जो कि वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग जो है सर्विस उसमें काम करेगा इंडिया में। तो इसी के चलते बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो अभी के ब्रोकिंग फर्म्स हैं
ब्रोकिंग कंपनी से, ज़ीरोधा ऐप स्टॉक्स वगैरह, ये सबको बिजनेस में थोड़ा घाटा वगैरह हो सकता है। अभी यहाँ पे कंपनी का देखते हैं जो कि मतलब बताया जा रहा है कि विल बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकरेज। अर्लियर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ब्लैक रॉक हैड अनाउंस्ड एन एग्रीमेंट इन July 2023 टू फॉर्म 50-50 ज्वाइंट वेंचर विथ 150 मिलियन इन्वेस्टमेंट ईच टू एंटर द एसेट मैनेजमेंट बिजनेस इन इंडिया। यहाँ पे बात को समझिए, जो कि इसके पहले जो इन लोगों ने अनाउंस किया था जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक के ओर से एक एग्रीमेंट हुआ है जहाँ पे कंपनी जो है 50-50 ज्वाइंट वेंचर पर काम करेगा और उसके लिए 150 मिलियन इन्वेस्टमेंट ईच करेगा, मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 150 मिलियन और ब्लैक रॉक 350 मिलियन। पैसे का इसके पास भरपूर पैसा है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास बहुत ज़्यादा पैसा लगा के मार्केट में ये बिजनेस को आगे ग्रो करने वाला है। सर्विसेज का शेयर थोड़ा डाउन हो रहा है तो यहाँ पे हमें लगता है कि किसी ने अगर शेयर खरीदा है जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर थोड़ा ज़्यादा प्राइस में उनको होल्ड करना चाहिए। अभी जियो फाइनेंशियल सर्विस के Q4 के रिजल्ट को थोड़ा हम लोगों ने समझा है कि कंपनी यहाँ पे कैसा कर रहा है। अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो वगैरह बहुत ज़बरदस्त बोल सकते हैं कि जो इंक्रीज़ हुआ है, कंपनी का शेयर भी यहाँ पे तेज़ी बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो ज्वाइंट वेंचर है, आप देख सकते हैं जो अपडेट 50-50 ज्वाइंट वेंचर का आया था ब्लैक रॉक, उसके चलते शेयर मार्केट में एक ज़बरदस्त हलचल मचा था, शेयर मार्केट में ज़बरदस्त हलचल बना था, या फिर बोल सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर जो है उसमें एक तेज़ी बना था, क्योंकि ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ा कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप करके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी बिजनेस में एंट्री कर रहा है नए नए बिजनेसेस में। अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर को लेकर थोड़ा हम लोग समझते हैं यहाँ पे डिटेल में। देखिए कंपनी का जो मतलब जियो फाइनेंशियल जो है इसका जो म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स में जो मतलब स्टेक है जो कि 4.71% का स्टेक था म्यूचुअल फंड का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में, जो कि बढ़ा के जो म्यूचुअल फंड ने 4.91% का कर दिया है। वही दोस्तों बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है 46.77% था, प्रोमोटर्स ने यहाँ पे स्टेक जो है इंक्रीज करके 47.12% का कर दिया है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो लोग यहाँ पे स्टेक इंक्रीज कर रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे स्टेक जो है इंक्रीज किया है। अभी रिटेल शेयर होल्डिंग जो है दोस्तों 17.84% था, रिटेल शेयर होल्डर्स जो है यहाँ पे स्टेक इंक्रीज करके 19.89% का कर दिया है। वही FIS ने यहाँ पे स्टेक रिड्यूस किया है, घटाया FIS ने जो कि 21.48% का स्टेक था, FIS ने जो है स्टेक घटा के 19.70% का कर दिया है। तो फिलहाल ये सब चल रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। अभी शेयर मार्केट के जो एनालिस्ट है दोस्तों उसमें से एक ऐसे एनालिस्ट है जिन लोगों ने जिसने बोल सकते कि जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर रिसर्च किया है और लगता है कि शेयर में जो है बाई करके चल सकते हैं। अभी शेयर का प्राइस 370 के आसपास चल रहा है। कोई अगर ये शेयर में थोड़ा समय होल्ड करना चाहते हैं तो हमें लगता है कि होल्ड करना चाहिए, आगे चल के इस कंपनी के शेयर में दोस्तों ज़बरदस्त तेजी बन सकता है। जितने सारे बिजनेस में ये एंट्री करेगा, ज़्यादातर बिजनेस में आप बोल सकते हैं कि ये जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएगा। अभी यहाँ पे जो एक दिन का लो प्राइस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का है जो कि 360.65 पैसे का, और जो हाई प्राइस है 378.10 पैसे का। 52 का लो प्राइस देखिए दोस्तों 202.80 पैसे का, और 52 का जो हाई प्राइस है 384.40 पैसे का। वन मंथ की बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेके, वन मंथ में जो ये शेयर है 10.66% का जो है इसमें रिटर्न देखने को मिला है। थ्री मंथ्स में बात करते हैं 50.70% का रिटर्न देखने को मिला है, और वन ईयर में 48.69% का जिसमें रिटर्न देखने को मिला है, 48% के आसपास इसने रिटर्न। तो अभी यहाँ पे ओवरऑल अगर देखते हैं तो जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो लोन का बिजनेस है वो भी ग्रो हो रहा है। अभी यहाँ पे कंपनी का दोस्तों जो बोल सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विस का यहाँ पे जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, देखिए टेक्निकली अभी का जो इन्फॉर्मेशन है 42 लेवल पर शेयर चल रहा है, इतना ऐसा नहीं है कि शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फिलहाल यहाँ पे जो 42 लेवल है जो कि आप देख सकते हैं टेक्निकली शेयर में जो है, या फिर जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर है एक 42 लेवल बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका अभी जियो फाइनेंशियल सर्विस का Q3 24 का रिजल्ट आने के बाद जैसा अभी रिजल्ट दिया है, और जैसे ही इसका अभी जो कुछ दिन पहले एक ब्लैक रॉक के साथ डील का बात हुआ, एग्रीमेंट का बात हुआ, जहाँ पर ये नया बिजनेस वगैरह शुरू करेगा ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, ये सब के चलते दोस्तों हो सकता है कि कंपनी के शेयर में आगे चल के तेज़ी बने। अगर शेयर कोई खरीदना चाहते तो यहाँ से थोड़ा अगर गिरावट बनता है, हमें लगता है शेयर अगर थोड़ा यहाँ से गिरावट बनाता है तो वहाँ पर अगर खरीदेंगे देंगे, अगर शेयर 350-60 रुपये के आसपास मिलता है तो वहाँ से हो सकता है कि अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिले। आपको कैसा लगता है दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर, ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए।